सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सीयू में आईटी और मैथ्स का पेपर चेकिंग में प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपना आइडिया से और अपने नॉलेज से ये चीज को ऑब्टेन किया है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस कारण से आपका मार्क्स में प्रॉब्लम हुआ होगा और क्या इश्यूज आ सकता है। मेरे हिसाब से क्या प्रॉब्लम हुआ होगा जिस कारण से आईटी में इतने बच्चे फेल हो गए। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूं बोर्ड पे, आप ध्यान से सुनना और अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो शेयर कर देना और आप आई होप यू ऑल मस्ट अग्री विद दिस। देखिए आईटी का ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न ये था, 1:10, एक मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से वो 10 मार्क्स मिलता और ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, तो कितना मार्क्स होता बाबू, 30, 30 10 40। ये सीयू का ओल्ड ऑफलाइन का पैटर्न था, बट इस बार आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम में सीयू क्या किया था, ग्रुप ए में 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन करना था जबकि क्वेश्चन दिया था 10, ठीक है, और ग्रुप बी में 3 मार्क्स का 10 क्वेश्चन करना था जबकि क्वेश्चन दिया था 15। अब मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा कि सीयू ने क्वेश्चन पेपर तो आपका नया दिया था बट आंसर का जो सॉफ्टवेयर है वो शायद पुराना वाला फीड कर दिया होगा। आप समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे, क्वेश्चन पेपर तो नया वाला दिया लेकिन क्वेश्चन पेपर तो नया पैटर्न में दिया, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आंसर शीट जो है सीयू ने शायद पुराना वाला मेथड से मार्किंग पैटर्न सॉफ्टवेयर डाल दिया होगा। इससे क्या हुआ होगा कि सपोज ग्रुप ए में कोई बच्चा तो 5 किया होगा, उसको तो उसको 5:1 5 ही मार्क्स मिला होगा, बात समझिए ठंडे दिमाग से। अब ग्रुप बी में मान लीजिए कोई 10 क्वेश्चन किया होगा मैक्स टू मैक्स, 10:2 कितना हो रहा 20, बात तो समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे। मेरे हिसाब से शायद, और सेम चीज मैथ्स में भी हुआ था, तो मेरे हिसाब से शायद यही प्रॉब्लम हुआ है एंड आई होप यू विल अग्री कि शायद यही प्रॉब्लम चेकिंग में हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कि प्लीज आप लोग कुछ करिए 1-2 दिन के अंदर और ये वीडियो को इतना फैलाइए कि सीयू अथॉरिटी तक ये पहुंचे प्लीज़।